यार भाई आपने क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में बता देते हैं। पक्का जी? पक्का यार, आज की हमारी वीडियो जो है वो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही होने वाली है। मेरा नाम है गरम महाजन और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 97% है। जी हाँ, हर 10 में से 9 बार और हर 100 में से 97 बार जो है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसकी गारंटी है। अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं भी मिले तब भी हर एक क्वेश्चन को बनाने का फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, इसकी गारंटी कंबाइंड एजुकेशन का गर्म हासिल लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले ये समझ लो कि अगर कोई क्वेश्चन वो आ गया जो हमने लर्न नहीं किया तो उसको किस तरह से बनाना है, ये टिप अगर आपने जान ली ना तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आप मतलब छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम को। और अगर आपने एग्जाम को छोड़ा नहीं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये यार मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी, आप मैनेज कर लेना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के आएंगे। तो आपको आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर वापस 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो पैसेज बेस्ड होगा, और फिर आएगा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर होगा। ये आएगा वेरी शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे पैसेज बेस्ड, और ये लॉन्ग आंसर। अगर आप क्लास 12 के एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और पेपर पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वो वीडियो आप जरूर चेक करना। 11 अप्रैल को वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आज 13 अप्रैल है, बैसाखी का दिन है, आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे ना तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पेपर हमें किस तरह से आएगा और कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करने। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक टिप सुन, मैंने आपको बोला यहाँ 4 टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, पैसेज बेस्ड और लॉन्ग। अब देखो यहाँ जो वेरी शॉर्ट आंसर है ना, ये लिखने हैं टू द पॉइंट, 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा, इसकी जो वर्डिंग है वो 30-40 वर्ड्स में आपको रखनी है। अब मान लो जो क्वेश्चन आपने लर्न किया है वो आ गया एग्जाम में, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, बचा लिया यार इस बार। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वो आ गया जो आपने लर्न नहीं किया, फिर क्या करोगे, फिर भगवान को कोसोगे, क्या यार मैं पूरा साल पढ़ता रहा, यूट्यूब से वीडियो भी देखी लेकिन वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो अगर ये टिप जान ली ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मान लो आपका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, 2 आपको आता है, 3 आपको नहीं आता, नंबरिंग डालो सबसे पहले, आंसर नंबर 3 अंडरलाइन करो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे है ना उसी के एंड 2 वर्ड्स लिख दो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप 2 मार्क्स में, तो इतना सा लिख दो सिटीजनशिप, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा उसी के बारे में, सिटीजनशिप इज मीन्ड बाय, इतना सा भी अगर आपने लिख दिया ना नंबरिंग डाल के, हेडिंग देके, और सिटीजनशिप इज मीन्ड बाय, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और अगर आपको टूटी फूटी नॉलेज है ना उस प्रोसेस के बारे में, अगर आप यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन जो है वो लिखते हो 3-4 लाइनों में और आपकी 90% मिस्टेक्स भी हो रही है, तब भी आपको 2 में से 1.5 मार्क्स मिलेगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के बेसिस पे 3-4 वर्ड एक्स्ट्रा लिख के आ जाओ,
एक मार्क्स, और अगर आपने पूरा लिखा लेकिन मिस्टेक्स है तो अभी डेढ़ मार्क्स आपको मिलेगा। यही होगा पैसिव बेस्ड के भी। पैसिव बेस्ड के हालांकि क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पैसिव से ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिला पैसिव से तो आपको जो है वो उसी के बारे में कुछ लिख के आ जाने। बल्ला 99% ये होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर ना पैसिव में ही होता है, बस आपको नीड होती है कि पैसिव को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद शॉर्ट आंसर चार मार्क्स का। भाई अगर शॉर्ट आंसर कोई है जो नहीं आता आपको, सबसे पहले नंबरिंग दे दो, आंसर नंबर 11 मान लो। जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप, एक ही क्वेश्चन की एग्जांपल दे रहा हूँ, सिटीजनशिप एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब आपको सिटीजनशिप की जो है वो डिफाइन तो आती है लेकिन उसकी टाइप्स नहीं आती, फिर आप क्या करोगे सिटीजनशिप के बारे में लिख के आ जाओ तीन चार लाइनों में। यहाँ पे आपने ये नंबरिंग डाली है अटेम्प्टेशन का मार्क्स और तीन चार लाइनों में, तो ढाई मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो मैंने जैसा दो मार्क्स वाले में बताया अपनी लैंग्वेज में बना के आ जाओ लेकिन अटेम्प्ट करके आना, वही रहेगा सिक्स मार्क्स में भी। अब देखो शॉर्ट आंसर में ना आप टू द पॉइंट नहीं लिख सकते, शॉर्ट आंसर में आपको 100 to 150 वर्ड्स में अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। पैराग्राफ में आप कर सकते हो, अगर आप स्टेप लिख रहे हो तो चार स्टेप लिख लेना, और अगर छोटे छोटे स्टेप हैं तो पांच स्टेप लिख लेना, और अगर बड़े बड़े स्टेप हैं तो तीन स्टेप आप लिख लेना। ये ट्रिक फॉलो कर लेना। अब ऐसा मत करना कि आपके जो स्टेप हैं वो बिल्कुल एक एक लाइन के हैं और आप चार स्टेप लिख के आ जाओ, तो आंसर जो है वो रेलिवेंट नहीं बनेगा। इसलिए जो अगर छोटे छोटे पॉइंट है ना तो फिर स्टेप जो है वो इंक्रीज कर देना। लॉन्ग आंसर, भाई लॉन्ग आंसर में आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने पड़ेगी। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। तो मान लो आपने फैक्टर्स लिखे पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करो इस तरह से, फ्लो चार्ट बनाओ यहाँ पे सर्कल, और उस फैक्टर का नाम लिखो। यहाँ पे जो आप फैक्टर लिख रहे हो उसका आगे एक्सप्लेनेशन भी करनी है। यहाँ पे इतना आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी ही वीडियो है जिसपे मैंने ये बताया है कि हाउ टू राइट परफेक्टली, मतलब जेके बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से परफेक्ट वे में आपको लिखना है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वो आप वहां से चेक कर लेना। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जेके बोर्ड की। दो बुक्स है आपको पॉलिटिकल साइंस की, एक बुक है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो भाई मैं आपको किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो 99% एक बुक से आता है जो मैं आपको बता दूं। ये वो बुक है एमबीडी की पॉलिटिकल साइंस, एमबीडी, क्योंकि अलग अलग जो बोर्ड होते हैं ना वो उनकी अपनी अपनी बुक्स होती है। जैसे सीबीएसई की अगर हम बात करें तो उनकी एक ग्रुप चलता है अरिहंत का, वो वहां से एग्जाम डालते हैं, लेकिन हमारा जेके बोर्ड का ग्रुप है एमबीडी का, तो यहाँ से उनके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आप बोलोगे टेक्स्ट बुक है हमारी वहां से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, 99% जो है वो इसी से पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास ये बुक है तो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ उनको अपनी बुक निकालो और उनको टिक लगाते जाओ। अगर ये बुक नहीं है तो जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको लिखते जाओ, फिर जो भी सोर्सेस से आपने लर्न किए हैं ना उससे लर्न करते जाना। तो देखो पहला चैप्टर जो है ना हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है हमारा 3 मार्क्स का। जेके बोर्ड ने न्यू सिलेबस रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 3 मार्क्स का। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो वो आते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप इनके टेक्स्टुअल क्वेश्चन की बात करो ना, आप अपनी जो ये बुक है वो निकाल लो यार। टेक्स्टुअल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक दो ही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6
Why is it necessary for a country to have a clear demarcation of powers and responsibilities in the constitution? कितने मार्क्स में करने? 2 मार्क्स में. ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 6, Why is it necessary for a country to have a clear demarcation of powers and responsibilities in the constitution? 2 मार्क्स में. यानी जितना यहाँ पे दिया है इनफ है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपको करना पड़ेगा. Why is it necessary for a constitution to place limitation on the rulers? ये क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा. कितने? 2 मार्क्स में. और इसके बाद आपको इसी बुक से करने पड़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगर आप बोलोगे यहाँ पे हमने लॉन्ग आंसर करने हैं इस चैप्टर के, तो वो मत करना, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आपको नहीं पूछे जाएंगे. उसके बाद अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें ना, तो एक कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लेना, लेकिन 2 मार्क्स में. ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने मार्क्स में करना है? 2 मार्क्स में. उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो करना है व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि. क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट आंसर में, व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि. 2 मार्क्स में करना है, 2 ही स्टेप इसके लिखना. उसके बाद व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 मार्क्स में करना है, 2 ही स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे. एक क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्वेश्चन, ये भी आप 2 मार्क्स में करना. डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कर लेना. उसके बाद फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 मार्क्स में, यही करनी है. उसके बाद यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे. पहला चैप्टर कंप्लीट. उसके बाद बारी आती है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपको भाई 5 मार्क्स में. तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले करो डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कई बार नेचर पूछ लेते हैं, कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, तो ये करना आपका 4 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में, ये आपको आ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेन एनी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे लॉन्ग आंसर में दिया है, लेकिन अब शॉर्ट आंसर में इसको लर्न कर लेना, मतलब 4 स्टेप जो है वो लर्न कर लेना. लेकिन यहाँ पे तो आपको राइट्स बताने पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट, तो इनको मतलब छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन में ना इनको डिस्क्राइब करना. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी शॉर्ट आंसर में आपको करना पड़ेगा. उसके बाद अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर का, पहला एक्सप्लेन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी. उसके बाद वेरी शॉर्ट आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करना पड़ेगा एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन द टर्म ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिट ऑफ कैरिटोरिया और रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये आपको करना पड़ेगा. उसके बाद वेरी शॉर्ट मत करना. उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू है वो आपको करने पड़ेंगे. फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें ना आप 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन्हीं को लर्न करना है, क्योंकि कई बार शॉर्ट आंसर में भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी जो है इनकी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन में है, ज्यादा नहीं. उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 3 सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो ये चैप्टर है आपका भाई कहाँ लिखा मैंने 6 मार्क्स में. उसके बाद 4th चैप्टर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे 5th चैप्टर लेजिस्लेचर, 6th चैप्टर जुडिशरी, ये सारे हैं भाई आपके 4 मार्क्स में. 7th चैप्टर आपका आता है फेडरलिज्म, 8th आता है लोकल गवर्नमेंट, 9th आता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, और 10 आता है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. यहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो 6 मार्क्स में है. उसके बाद 4 मार्क्स में आपका लोकल गवर्नमेंट है, 2 मार्क्स में आपके ये हैं. अब अगर हम बात करें ना ये 2 मार्क्स वाले पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो लास्ट वाले आपके 2 चैप्टर हैं,
यहां से मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू करके जाना, सिर्फ वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू। यहां पे मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो दो दो मार्क्स वाले हैं ना, यहां पे आपको वेरी शॉर्ट ही आएगा और एमसीक्यू ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थर्ड चैप्टर, तो यहां पे आपको करना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन भी आएगा और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी आएगा, उसकी मेरिट्स भी आएगी और उसकी डीमेरिट्स भी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो आता है डिस्क्राइब द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा 6 मार्क्स में, क्योंकि इस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ड्रॉबैक्स रहने देना, रेमेडीज रहने देना। एक क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट आर द वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये आपको लॉन्ग आंसर में करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आता है शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मल्टी मेंबर कमीशन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आता है यहां पे शॉर्ट आंसर में ही मेंशन एनी 4 ड्रॉबैक्स इन इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर जितने भी दिए हैं इन सभी को ओवरव्यू ले लेना, मतलब इन सबको ना ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना, आएगा नहीं इस चैप्टर से, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर बाय चांस आ गया तो अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा ना, तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो। वेरी शॉर्ट रहने देना, वेरी वेरी शॉर्ट रहने देना और ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेना। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जो आपका चैप्टर है 4 मार्क्स में। तो यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये आपको करना पड़ेगा 4 मार्क्स में। इसमें क्वेश्चन आएगा डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आप रहने देना, ये नहीं आता मैक्सिमम टाइम। पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में, कोई 4 पावर या 5 पावर आपको इसकी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, 4 से 5 पावर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एमरजेंसी पावर्स, ये सारा आप पावर में 4-5 पावर जो है वो लर्न कर लेना। उसके बाद कैबिनेट वाला टॉपिक है, ये छोड़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स है, कोई 4-5 पावर आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद राइट डाउन 4 इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है जो आपको यहां से करने पड़ेंगे। यहां से अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गवर्नर की पावर आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद सीएम की पावर आपको करनी पड़ेगी, 4-4 पावर। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई 4 पावर जो आपको पसंद आ रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, वो 4 पावर आप लर्न कर लेना। उसके बाद शॉर्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द इम्यूनिटीज ऑफ द गवर्नर। उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट आप सभी कर लेना और ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। लेजिस्लेचर जो 4 मार्क्स में है वो आया, यहां पे क्वेश्चन आता है भाई लॉन्ग आंसर में दिया गया है इंडियन पार्लियामेंट की कंपोजिशन और उसकी पावर, यहां पे नहीं करना वो क्वेश्चन, यहां पे आपको एक क्वेश्चन करना है लोकसभा उसकी पावर्स, राज्यसभा उसकी पावर्स, फंक्शन ऑफ लोकसभा, फंक्शन ऑफ राज्यसभा, ये आपको करने। रिलेशन बिटवीन द 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या रिलेशन है वो करना पड़ेगा, कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में, शॉर्ट आंसर में ही आपको वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर के, तो शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, क्वेश्चन नंबर 2।
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, क्वेश्चन नंबर 3 ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मेन पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये करना पड़ेगा। उसके विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी मेन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपको करना पड़ेगा। वेरी शॉर्ट भी आपको सारे के सारे जो है वो करने पड़ेंगे और मल्टीपल चॉइस जो है वो करने पड़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके शॉर्ट आंसर के ही बात करें ना, तो हाउ डज द स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आप देख के चल जाना, दो दो मार्क्स में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद आता है जुडिशरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस में, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसी चैप्टर में, तो आपको एक क्वेश्चन आता है राइट एन एसे ऑन रूल ऑफ लॉ, है ऐसे लेकिन 4 मार्क्स में ही आपको करना पड़ेगा शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है रूल ऑफ लॉ के सिवाय। रूल ऑफ लॉ और कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर में जुडिशियल रिव्यू, बस ये कर देना। उसके बाद अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो मेंशन द जरिस्डिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये करना पड़ेगा आपको, बस एक। उसके बाद व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये देखो शॉर्ट आंसर में भी रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, तो यहीं से आप जो है वो कर सकते हो। फेडरलिज्म कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। तो यहाँ से आपको ना पैसेज आने की पॉसिबिलिटी है, जैसे ये पैसेज दिए ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पैसेज दिया है, ये आप ध्यान से देख लेना, यहाँ से पैसेज आएगा आपको। उसके बाद व्हाई आर मेनी स्टेट्स अनहैप्पी अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर, ये क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव ग्रेटर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द स्टेट गवर्नमेंट, इसके लॉन्ग में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम रहती है, लेकिन फिर भी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी फीचर आपको करने पड़ेंगे और फेडरल फीचर करने पड़ेंगे भारतीय संविधान के, 4-4 मार्क्स में, लॉन्ग में मत करना है इसको। उसके बाद शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें तो डिफाइन फेडरेशन। उसके बाद व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बस ये, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करना पड़ेगा, और यहां से व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर में व्हाट इज पंचायती राज, और ऑर्गन्स लिखने पड़ेंगे पंचायती राज के। उसके बाद यहां पे एक आता है फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत और फंक्शन ऑफ सरपंच, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से आपको करनी पड़ेंगी। तो भाई ये तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपने मेरे को कमेंट किया कि अगली जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आज की वीडियो कैसी लगी ये बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।